मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं शैतान मूवी की 10 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। 10 दिन हो चुके हैं और ये मूवी लगातार रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, और साथ ही बात करेंगे योद्धा मूवी के बारे में। इस मूवी की कलेक्शन भी अच्छी निकल के आ रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये मूवी आगे आने वाले दिनों में कितने करोड़ की कमाई कर पाती है, इन दोनों मूवी में से कौन सी मूवी बाजी मार पाती है और कौन सी मूवी रह जाती है पीछे, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग भी डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं शैतान मूवी के बारे में। तो शैतान मूवी को तो रिलीज हुए आज 10 दिन हो चुकी है, लेकिन ये मूवी रुकने का नाम नहीं ले रही है और सभी मूवी को पछाड़ते हुए आगे निकल चुकी है। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी है और ये मूवी बहुत जल्द ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने वाली है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। और आप लोगों ने शैतान मूवी को देख लिया है तो ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। देखा जाए तो इस मूवी ने ओपनिंग डे पर भी ठीक ठाक कलेक्शन कर चुकी थी, उसके बाद इस मूवी की कलेक्शन में लगातार ग्रोथ देखने को मिली और इस मूवी की कलेक्शन लगातार बढ़ती चली गई। तो चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट की। तो इस मूवी के स्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका देखने को मिलने वाले इस मूवी में। बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का बजट लगभग 60 करोड़ के आसपास था और इस मूवी को लगभग 3000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था सिनेमाघर में वर्ल्ड वाइड। आज हो चुकी है इस मूवी को रिलीज हुए 10 दिन और इस वीकेंड में जितनी भी मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है उनसे कहीं ज़्यादा कलेक्शन कर रही है और उन सभी मूवी को पछाड़ते हुए आगे निकल चुकी है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने के लिए तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस मूवी के 8 दिनों की ऑफिशियल कलेक्शन के बारे में। बात कर लेते हैं इस मूवी की 8 दिनों की ऑफिशियल कलेक्शन निकल कर आ चुकी है और इस मूवी ने 8 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 84 करोड़ 80 लाख और इस मूवी ने 8 दिनों में इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर लिया 100 करोड़ 25 लाख और इस मूवी ने 8 दिनों में ओवरसीज से कलेक्शन कर लिया 22 करोड़ और इस मूवी ने 8 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया 122 करोड़ 25 लाख। 9वें दिन की इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने 9वें दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 8 करोड़ और इस मूवी ने 9 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 92 करोड़ 80 लाख। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की 9वें दिन की इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की, इस मूवी ने 9वें दिन पर इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है लगभग 9 करोड़ के आसपास और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है लगभग 9 करोड़ 50 लाख के आसपास। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की 10वें दिन की कलेक्शन की, आज की कलेक्शन की। तो आज के दिन पर जिस तरह की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है और जिस तरह से एडवांस बुकिंग हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन पर ये मूवी लगभग 10 करोड़ की इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। ये कलेक्शन अभी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी है। आप लोगों को क्या लगता है ये मूवी आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर सकती है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जहां इस मूवी की कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने जिस तरीके से कलेक्शन करके दिखाया जो कि पूरी तरीके से रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं योद्धा मूवी के बारे में। तो योद्धा मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कलेक्शन कर रही है और आज इस मूवी को रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये मूवी आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर पाती है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो जाएगी या फिर नहीं, आप लोगों को क्या लगता है। और आप लोगों ने योद्धा मूवी को देख लिया तो ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस तरीके से इस मूवी के ऑडियंस की तरफ से रिव्यू मिल रही है उस हिसाब से लग रहा है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कलेक्शन कर लेगी, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये मूवी कब तक बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो पाती है या फिर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। आप लोगों ने इस मूवी को देखा तो ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखा जाए तो इस मूवी ने जिस तरीके से कलेक्शन करके दिखाया है एक ठीक ठाक कहा जा सकता है, ज़्यादा कुछ खास कलेक्शन निकल कर नहीं आई है, लेकिन इस मूवी की कलेक्शन अच्छी निकल के आ रही है कहा जा सकता है अपने बजट के हिसाब से। अब देखते हैं ये मूवी कहाँ तक जा पाती है इस मूवी की कलेक्शन और ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो पाएगी या फिर नहीं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट की। तो इस मूवी के स्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ राशि खन्ना देखने को मिलने वाली। अब बात करें इस मूवी के बजट की तो इस मूवी का बजट लगभग 55 करोड़ के आसपास था और इस मूवी को लगभग 3000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था सिनेमाघर में वर्ल्ड वाइड। आज इस मूवी को रिलीज हुए 3 दिन हो चुकी है लेकिन ये मूवी रुकने का नाम नहीं ले रही है और ये मूवी फर्स्ट वीकेंड में देखने वाली बात होगी कि कितने करोड़ की कमाई कर पाती है और ये मूवी
बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर सकती है, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जहां जिस तरीके से योद्धा मूवी ने कलेक्शन करके दिखाया, जो कि ज़्यादा कुछ खास तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अच्छी कलेक्शन कर रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी वीकेंड के बाद किस तरह से कलेक्शन कर पाती है और क्या ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो पाएगी या फिर नहीं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस मूवी के पहले दिन की ऑफिशियल कलेक्शन के बारे में। बात कर लेते हैं इस मूवी के पहले दिन की ऑफिशियल कलेक्शन निकल कर आ चुकी है और इस मूवी ने पहले दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 4,10,00,000 और इस मूवी ने पहले दिन पर इंडिया ग्रोस कलेक्शन कर लिया है 4,85,00,000 और इस मूवी ने पहले दिन पर ओवरसीज से कलेक्शन कर लिया 1,00,00,000 और इस मूवी ने पहले दिन पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है 5,85,00,000। दूसरे दिन की इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने दूसरे दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 5,75,00,000 और इस मूवी ने दो दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 9,85,00,000। अब बात करें इस मूवी के दूसरे दिन के इंडिया ग्रोस कलेक्शन की, तो इस मूवी ने दूसरे दिन पर इंडिया ग्रोस कलेक्शन कर लिया था लगभग 6,25,00,000 के आसपास और इस मूवी ने दूसरे दिन पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया था लगभग 6,50,00,000 के आसपास। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की तीसरे दिन की कलेक्शन की, आज की कलेक्शन की, तो आज के दिन पर जिस तरह की ओकीपेंसी देखने को मिल रही है और जिस तरह से एडवांस बुकिंग हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन पर ये मूवी लगभग 8,00,00,000 की इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। ये कलेक्शन अभी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी है। आप लोगों को क्या लगता है ये मूवी आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर सकती है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखा जाए तो इस मूवी ने जिस तरीके से कलेक्शन किया है, जो कि एक ठीक ठाक कलेक्शन कहा जा सकता है, अब देखने वाली बात होगी कि ये मूवी आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर पाती है। अगर आप लोग भी डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में।